बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम डॉक्टर अबू बकर शाहिद है और मैं इनवॉल्व कैंसर हॉस्पिटल में कैंसर स्पेशलिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। इनवॉल्व कैंसर हॉस्पिटल पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 18 कैंसर हॉस्पिटल्स में से एक हॉस्पिटल है और पाकिस्तान में कैंसर के तकरीबन 80% मरीजों का इलाज पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के इन कैंसर हॉस्पिटल्स में हो रहा है। इनवॉल्व में हमारे पास हर तरह की कैंसर की सहूलियात मौजूद हैं और यहाँ पे हम एक साल में तकरीबन 6,000 नए कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। बहुत से पेशेंट्स हैं जो कैंसर के बारे में जिनके कुछ ऐसे ख्यालात या मिसकंसेप्शंस होते हैं जिनको क्लियर करने की ज़रूरत है और लोग बहुत से सवालात ऐसे पूछते हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिनका हमें जवाब देना होता है और हमारी ये कोशिश होती है कि हम पेशेंट्स को उसके बारे में मुतमईन कर सकें। अगर इन सवालात की तरफ आएँ तो जो सबसे कॉमन चीज़ें पूछी जाती हैं वो ये हैं कि सबसे पहले लोग ये समझते हैं, ये पूछते हैं कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल या माइक्रोवेव अवन का इस्तेमाल आजकल बहुत कॉमन है, इनकी वजह से कैंसर फैलता है या नहीं फैलता। तो इसमें इस बात को समझना चाहिए कि अभी तक कोई ऐसा कन्फर्म्ड डेटा नहीं है जिसकी रोशनी में हम ये कह सकें कि ये चीज़ें कैंसर को फैलाने का बाइस बनती हैं और इसलिए इनको इस्तेमाल करने में किसी वहम की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। फिर बाज़ पेशेंट्स ये पूछते हैं कि हमारी फैमिली में एक किसी शख्स को कैंसर हुआ है तो क्या हम मुझे भी उसका ख़तरा है या ख़दशा है या मैं भी उसके रिस्क पे हूँ। इस बात को भी समझना चाहिए कि कैंसर आम तौर पे 90% के करीब कैंसर्स ऐसे हैं जो फैमिलीज़ में नहीं रन करते। कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जैसे ब्रेस्ट कैंसर है या ओवेरियन कैंसर है या बच्चों में आँख का कैंसर है जो फैमिलीज़ में जिनका चलने का ख़तरा होता है और अगर एक शख्स को हो तो बाकी लोगों को भी टेस्टिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन ज़्यादातर कैंसर ऐसे होते हैं कि जिसमें इस बात का खदशा और अंदेशा बहुत कम होता है कि वो अगर एक शख्स को है तो वो फैमिली में बाकी लोगों को भी हो सकता है। इसी तरह लोग पूछते हैं कि कैंसर जो है ये एक से दूसरे को लग तो नहीं सकता जैसे कंटेजियस या इन्फेक्शस डिजीज़ होती हैं, और क्या हम कैंसर के मरीज़ के साथ हम एक कमरे में रह सकते हैं, एक टेबल पर बैठ के खाना खा सकते हैं या बच्चे उनके साथ ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। इसमें भी इस बात को समझना चाहिए कि कैंसर ऐसी बीमारी नहीं है कि जो एक शख्स से दूसरे को लगे। कुछ इक्का दुक्का कैंसर ऐसे हैं जिसमें ये समझा जाता है कि ये वायरस की वजह से फैलते हैं, अदरवाइज़ आमतौर पे कैंसर जो हैं वो जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से बनते हैं और इस बात का अंदेशा नहीं होता कि एक कैंसर एक शख्स से दूसरे शख्स को लग सकेगा और इसलिए कैंसर के मरीज़ को उस तरह आइसोलेट करने की ज़रूरत नहीं होती जिस तरह इन्फेक्शस डिजीज़ में लोगों को पेशेंट्स को क्वारंटाइन या आइसोलेट किया जाता है। फिर बाज़ लोग पूछते हैं कि कैंसर के मरीज़ में सिम्टम्स या अलामात आनी ज़रूरी होती हैं या नहीं ज़रूरी होती। तो ये बात भी समझनी चाहिए कि बाज़ दफ़ा कैंसर अंदर ही अंदर फैलते रहते हैं और हर पेशेंट्स को उसकी अलामात या सिम्टम्स महसूस नहीं होती और वो टेस्टिंग के बाद या इन्वेस्टिगेशंस के बाद ही पता चलता है कि इस शख्स को कैंसर है और वो फैल चुका है या अभी लिमिटेड है। इसलिए इस बात में मोहतात रहना चाहिए कि हर कैंसर के मरीज़ में अलामात नहीं पाई जाती। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है और अगर हमारे पास 100 ख्वातीन ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए आती हैं तो उनमें से 50 को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, यानी ये तकरीबन आधी ख्वातीन जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए आ रही होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी समझनी चाहिए कि छाती में पाई जाने वाली हर गिल्टी जो है वो कैंसर नहीं होती, बल्कि ये समझना चाहिए कि तकरीबन 80% गिल्टियाँ जो हैं वो कैंसर नहीं होती और कोई 20% के करीब गिल्टियाँ ऐसी होती हैं जो कि कैंसर हो सकती हैं। इसलिए हर छाती की गिल्टी को कैंसर नहीं समझना चाहिए और डॉक्टर की राय लेके उसको अगर निकलवाने की ज़रूरत है या मेडिकेशन की ज़रूरत है या बायोप्सी की ज़रूरत है तो उसको वर्कअप करवा के उससे निजात हासिल करनी चाहिए। हर छाती की गिल्टी और कैंसर नहीं होती, बल्कि ज़्यादातर गिल्टियाँ कैंसर नहीं होती। बाज़ लोग ये पूछते हैं कि चीनी या शुगर जो है ये इसकी वजह से कैंसर जो है वो ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। ऐसा भी कोई अभी तक डाटा नहीं है कि जिसमें शुगर को रिस्ट्रिक्ट किया जाए ताकि मरीज़ का कैंसर ना फैले, और वैसे शुगर से परहेज़ करना या कम शुगर इस्तेमाल करना अच्छी आदत है, लेकिन कैंसर के फैलने में चीनी का या शुगर का कोई ऐसा अमल दखल अभी तक साबित नहीं हुआ।
एक आखिरी बात जो मैं करना चाहूँगा, वो लोग ये समझते हैं कि हम अगर कोई कैंसर की गिल्टी, अगर कोई भी गिल्टी है और हम उसको उसकी अगर हम बायोप्सी करते हैं तो ये मिसकंसेप्शन ये पाया जाता है कि लोहा लगने से कैंसर जो है वो फैल जाता है। तो ऐसी कोई बात भी, उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। सारी दुनिया में जब भी कहीं गिल्टी मौजूद होती है तो उसका सबसे पहला टेस्ट जो किया जाता है वो FNA या ट्रू कट बायोप्सी के जरिए, कोर बायोप्सी के जरिए उसका टेस्ट किया जाता है या उसको निकाला जाता है, और उसके बाद ही उसकी तशखीस होती है और फिर आगे उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। तो इसलिए इस बात को इस अंदाज में लेना कि लोहा लगने से या नाइफ लगने से कैंसर फैल जाएगा, ये बात जो है ये भी गलत ख्याल है। तो हमने इस वीडियो में कोशिश की है कि ऐसे सवालात और ऐसे ख्यालात जो कैंसर से मुतल्लिक हैं वो हम आपको उसमें क्लेरिफिकेशन दे सकें और आम लोगों की नॉलेज में हम उससे इजाफा कर सकें। और भी कोई इस तरह के सवालात हों तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको मुतमईन कर सकें। बहुत शुक्रिया।